नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफ़ा गौर। खबर उछला है उत्तराखंड की खबरों का। पहली खबर है चमोली, जहां चमोली में पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पहुंचकर वहां पर पोषित योजनाओं की समीक्षा की। गढ़वाल सांसद एवं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर योजनाओं के बेहतर करने के निर्देश दिए। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, एल जीवन मिशन, जलगम दीनदयाल ग्राम ज्योति सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर सांसद संतुष्ट दिखे। सांसद ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। पानी और जिस तरह की वहाँ आपदा और वहाँ लोग प्रभावित हुए हैं, आने वाला समय वो खतरे में है। ये मैंने डीएम को सीधे कहा है और डीएम को कहा है कि स्वयं उस पर प्राथमिकता से देखें और स्वयं उसको संज्ञान लें और जितना जल्दी हो सके, या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से है, सिंचाई विभाग, जो भी विभाग कर सकता है, अरे भारत सरकार की नहीं तो भेजें। मैंने कहा उनको तो तत्काल एस्टिमेट भेजें और उस पर जो और बताएं मुझे। जैसे मैंने डीएम से अभी पूछा तो डीएम ने कहा कि एस्टिमेट हमने भेज दिया है और उस पर आगे हम लोग जल्दी बढ़ेंगे। इसको बचाना है क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और मैंने उनको ये भी कहा भैया आपके तले ही सब तो निर्देशित किया, जल्दी इसको होना चाहिए। पानी और विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप कैबिनेट मंत्री ने लगाया है। आपको बता दें, गोपेश्वर में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट पर विधायक निधि में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने कहा कि नगर पालिका गोपेश्वर में विभिन्न संस्थाओं में विधायक निधि का आवंटन किया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। टेंडर प्रक्रिया में अभी अनियमितता हुई, जो काम कागजों में दिख रहे हैं वो धरातल पर नहीं हुए। पूर्व मंत्री ने विधायक निधि के कार्यों, कार्यदायी संस्थाओं और टेंडर प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की। पूर्व मंत्री के ने आरोप लगाया कि बद्रीनाथ विधायक ने अपने पार्टी के पदाधिकारी की संस्था के माध्यम से करोड़ों रुपए की सप्लाई कराई है, इसकी भी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मैंने भ्रष्टाचार किया, मैंने पैसा लिया। मेरे पे तमाम आरोप लोगों ने लगाया, जिसका मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। 20 करोड़ की मानहानि का मैंने मुकदमा दर्ज किया है। 4 लोगों को पार्टी बनाया है, नोटिस जारी किए हैं। मुझे लगता है कि न्यायालय में मुकदमा जाएगा, जरूर उसको न्याय मिलेगा। और मेरी प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंचाई है केवल राजनीतिक द्वेष भाव की भावना से, केवल राजनीतिक द्वेष की भावना से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से न्यायालय में उसको न्याय मिलेगा। शारदानाथ में मंत्री ने शारदा में मंत्री ने शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बनारस और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा में शारदानाथ घाट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों की ओर से इसके निर्माण के लिए मांग की जा रही थी। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लगातार 2013-14 की भीषण आपदा से जो यहाँ का एक पौराणिक सादा घाट था वो जलमग्न हो गया था। और लगातार स्थानीय लोगों की और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोगों की एक मांग थी कि इस घाट को पुनः इसकी स्थापना की जाए। और विकास पूर्व डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयास के बावजूद आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ की लागत से एक ये विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है। और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए, श्रीनगर शहर के लिए, एक ऐतिहासिक सौगात है। देखिए, मैं आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, इसी के चलते उत्तरकाशी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तरकाशी जनपद में राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विकासखंड परिसर में यमुनोत्री विधायक केदार सिंह
रावत ने 10 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित चिराग एलईडी ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि ग्रोथ सेंटर में स्वरोजगार के क्षेत्र में महिला सहायता समूह के लिए नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने ग्रोथ सेंटर निर्माण और इसके अंतर्गत किए जाने वाले क्रिया कलाओं की प्रशंसा की। इस दौरान विधायक ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निकट भविष्य में अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित कराए जाने का भरोसा दिया। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रभारी का स्वागत किया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्लट के तल्ला मानिला पहुंचने पर बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी और प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी का सल्लट विधायक महेश जीना और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी और पश्चिम बंगाल के सांसद लोकेट चटर्जी और प्रदेश महामंत्री राजू भंडारी ने तल्ला मानिला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने तल्ला मानिला मंदिर का निरीक्षण भी किया। सम्मेलन है वहाँ से शुरू होने वाला है और चुनाव का प्रस्तुति भी शुरू हो गया है ऑलरेडी। अमित शाह जी कुछ दिन पहले देहरादून में आकर चुनाव का प्रस्तुति ऑलरेडी शुरू कर दिया है और सल्ट विधानसभा में पूर्व जो विधायक था उनका नेतृत्व में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। अभी 4 महीना हो गया हमारा नया विधायक जी अभी बहुत सारा काम भी कर रहा है उनका नेतृत्व में और धामी जी का नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का। हमारे संकट की घड़ी में हमारा साथ दिया उसके लिए भी मैं दिल से सभी का आभारी हूँ और इसी कामना के साथ कि आगे 22 में भी हमारे सरंट में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। आज हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है उसका प्रारंभ हमारे चुनाव सह प्रभारी प्रदेश की जो है हमारे लाकेट चटर्जी हुगली की सांसद हैं और राजेंद्र भंडारी जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं उनके द्वारा सल्ट विधानसभा से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें उन्होंने यही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि आने वाले जो 2022 में हमारे विधानसभा के चुनाव हैं उसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है इस बार 60 पार उस लक्ष्य को हम पूर्ण करेंगे। खबर डोईवाला से है जहां पर भू माफियाओं ने कॉलेज परिसर में कब्जा कर लिया जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने SDM से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि डोईवाला के सबसे पुराने इंटर कॉलेज गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला के प्रबंधक मनोज नोटियाल ने जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। SDM को सौंपे ज्ञापन में प्रबंधक ने आरोप लगाया कि भू माफियाओं ने कॉलेज परिसर की जमीन पर जबरन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। प्रबंधक ने SDM से कॉलेज परिसर से अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की है। पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला जो क्षेत्र के किसानों के पैसे से बना हुआ स्कूल है और 1954 का स्कूल है और क्षेत्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है। वर्तमान में जो स्कूल की ज़मीन है एक तो स्कूल के चारों ओर है लेकिन दूसरी जो ज़मीन केशवपुरी के आसपास है 3 जगह हमारी ज़मीन तो एक जो ज़मीन हमारी बिल्कुल केशवपुरी से जब जाते हैं डेस वाले में पड़ता है उसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है तो उस अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोगों ने माननीय SDM महोदय को ज्ञापन दिया है और हमारा उनसे निवेदन था कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं या जो लोगों ने हमारे ज़मीन की तरफ अपने द्वार खोल दिए हैं या जिन्होंने थोड़ा बहुत कब्जा किया वो हटाकर या चिन्हितीकरण करवाकर मौके पर किसी पटवारी को या तहसीलदार को भेज दिए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए विस्टार न्यूज़ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।